एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज टू द पॉइंट। अभिमन्यु आईएएस इज अ प्लेटफॉर्म विच हैज मोर देन 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन यूपीएससी एंड वेरियस पीसीएस एग्जामिनेशंस, हैज डिलीवर्ड मोर देन 2200 रिजल्ट्स सिंस 1999। दिस इज टू द पॉइंट। टू द पॉइंट के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो जॉम्बी आइस के ऊपर है। द नेम इज मिसलीडिंग, थोड़ा देखते हैं जॉम्बी आइस क्या चीज है। छोटा सा टॉपिक है ये, फटाफट इसको खत्म करते हैं हम। एंड इफ़ यू विश टू कवर करंट अफेयर्स फॉर प्री एज वेल एज मेंस, क्योंकि टू द पॉइंट के अंदर हम जो चीज़ करते हैं दैट इज स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स। अगर होलिस्टिकली कवर करना है सब कुछ, देर इज दिस कोर्स दैट इज ऑलरेडी रनिंग फॉर प्री एज वेल एज मेंस इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्म। यू गेट अ 7 days फ्री ट्रायल, चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मूविंग ऑन टू जॉम्बी आइस, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसका यह है कि ग्रीनलैंड आइस शीट के अंदर जो जॉम्बी आइस है, क्या है जॉम्बी आइस वो देखते हैं अभी। ग्रीनलैंड आइस शीट के अंदर जॉम्बी आइस है, इट विल इवेंचुअली रेज द ग्लोबल सी लेवल बाय एटलीस्ट 10 inches और 27 centimeters। नाउ एज एस्पायरेंट्स वी नो दैट कोस्टल एरियाज और उसकी इकोनॉमी पे उसका जो इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा होता है। सो इस टाइप की चीज़ इट विल डिसरप्ट द होल वर्ल्ड। तो ये थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए कि हाउ टू प्लान और थोड़ा सा मिटिगेट कर ले हम इस चीज़ को, ये टॉपिक में जॉम्बी आइस क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। What is zombie ice? थोड़ा समझते हैं। Zombie ice also known as doomed ice, very conveniently named, अभी आपको समझ में आएगा क्यों, is the one that continues to be a segment of what? Of the parent ice. देखो यहाँ पे जो चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है that it continues to be a segment. It does not break off. ये break off नहीं होती है. It continues to be a part of the segment. ये इस अगर कभी कंफ्यूजन हो तो ये एक पॉइंट बन सकता है कंफ्यूजन का, दैट्स व्हाई आई एम लाइक एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग कि ये ध्यान रखने वाली चीज है। कंटिन्यूज टू बी अ सेगमेंट ऑफ द पेरेंट आइस बट डज नॉट एक्यूमुलेट फ्रेश स्नो, एंड इफ इट इज नॉट एक्यूमुलेटिंग फ्रेश स्नो और वी नो एंड वी नो दैट ग्लोबल वार्मिंग इज देयर, तो क्या होगा, इट विल मेल्ट अवे। तो दिस इज द फ्लो ऑफ लॉजिक इन दिस। सच आइस इज कमिटेड to melting away and increasing sea levels. Simple enough. Moving on. क्या phenomena है जिससे zombie ice जो है वो form होती है या फिर इस type की problem आती है? Number one, it is because of the warming that has affected the climate already. We know, बहुत generic point है, बहुत straightforward point है. The study focuses on an equipoise condition where snowfall from the northerly extremes of Greenland ice cap melts down to रिचार्ज एजेस ऑफ द स्नो ग्लेशियर्स एंड हार्डन्स देम। एजेस तक जो है स्नो वहां से मेल्ट डाउन होकर द्वारा रिफ्रीज होती है, दैट इज हाउ द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। इक्विपॉइस का मतलब होता है, टू बी एग्जैक्ट, इट इज बैलेंस ऑफ फोर्सेस। इक्विपॉइस मीन्स कि देर इज अ बैलेंस ऑफ फोर्सेज। तो कौन कौन से दो फोर्सेज की बात हो रही है, कि वहां से जो मेल्ट डाउन होकर आ रहा है और यहां पर कितना जम रहा है, मतलब कितना रुक रहा है हमारे पास, तो ये उसकी उस बैलेंस की बात कर रहे हैं। द स्टडी रिवील्स दैट ओवर द पास्ट सेवरल डेकेड्स देयर हैज बीन लेस रिप्लेनिशमेंट एंड मोर मेल्टिंग। एक छोटी सी इक्वेशन बनती है हमारे पास कि जो मेल्टिंग है इट इज मोर देन रिप्लेनिशमेंट। ये मुद्दा है यहां पे, ये है कोर इसका, ये है क्रक्स की इसकी जो मेल्टिंग है इट इज मोर देन रिप्लेनिशमेंट, विच मीन्स कि इट विल श्रिंक आउट, श्रिंक अवे हो जाएगा। दिस इज हाउ द एज लुक्स। यहाँ पे आके जो है वो रीफ्रीज और जो मेल्टेड चीज है वो यहाँ पे रीफ्रीज होने का होना चाहिए, मतलब व्हाट इट शुड बी इज इट शुड रीफ्रीज, बट नाउ इट मेल्ट्स अवे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। दो डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे कि इससे होगा क्या। सो नंबर वन इज कि यूएन एटलस ऑफ ओशंस, उन्होंने कहा है कि 8 out of 10 वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटीज आर क्लोज टू द कोस्ट। अब ये चीज़ें आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें हम जो है अपनी क्लास में करते हैं मेन्स, जिसमें पूरा होता है, ताकि इस टाइप का डाटा आपके पास आ जाए, कि ढूंढना ना पड़े इधर उधर और आपके आंसर को वैलिडेशन मिल जाए। अगेन 7 days फ्री ट्रायल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए। Increasing sea levels will cause high tides, floods and storms to occur more frequently. It will lead to threats to local economies and infrastructure. The low-lying coastal regions will have to bear the harder hit. Simple enough.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2019 का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का डाटा बोलता है कि 800 मिलियन पीपल इन 570 कोस्टल सिटीज आर ऑलरेडी एंडेंजर्ड बाय राइज इन द सी लेवल बाय, उन्होंने कितनी प्रेडिक्शन दी है, 0.5 मीटर्स, 50 सेंटीमीटर बाय 2050. तो ये राइज होने वाला है. और उसमें हमने उसका देख लिया कि ग्रीन लाइन की जॉम्बी आइस का कितना भाग है. मूविंग ऑन, एक क्वेश्चन देखते हैं. यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन. बट ये थोड़ा सा जो अभी के केस में इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इफ इट कम्स इन द एग्जामिनेशन और आपने जॉम्बी आइस के बारे में पढ़ा है तो इट फॉल्स अंडर इजी कैटेगरी. और अगर नहीं पढ़ा है तो ये अनअटेम्प्टेबल है. तो ये अनअटेम्प्टेबल आपका क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि आपको ऑप्शन दिखेंगे अभी कि एग्जामिनर ने किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पुट किए हैं, किस टाइप के ऑप्शन दिए हैं. Which of the following correctly explains zombie eyes? Number one, it is a type of narcotic drug listed under NDPS Act. NDPS Act के बारे में पढ़ लेना वैसे, यहाँ पे अगर mention हो ही गया तो जरूर try it out. Second is the part of ice sheets which are melting away due to less replenishment. So we know that this is the answer. बाकी सब तो घुमाने के लिए लिखा है. Ice contaminated with acid rain reminiscence, a virus that affects the nervous system of polar bears. So what an option यार. अच्छा ऑप्शन डाला. या सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल फॉर्म ऑन दिस जॉम्बी आइस. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मे बी क्लब करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड या कुछ भी आएगा, कुछ डेफिनेशन बेस्ड ही, या फिर ग्रीनलैंड आइस शीट के ऊपर आपके थोड़ी ज्योग्राफी बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड दिस इज टुडेज टॉपिक इन टू द पॉइंट. माई नेम इज रोहित गर्चा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. दिस इज अभिमन्यू आईएएस.